हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी के बिहेवियर से आप कैसे समझ पाओगे कि आपसे वो सच्चा प्यार करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत लाइक्स दिए, इसलिए उसी वीडियो का पार्ट टू लाया हूँ कि कैसे आप समझ पाओगे कि कोई आपसे सच्चा प्यार कर रहा है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं कैसे जाने प्यार सच्चा है या टाइम पास। सबसे पहला है फ्रीडम। हमारे लाइफ में हम सभी फ्रीडम से रहना चाहते हैं, कोई रोक टोक ना हो, जो चाहे वो करे। सभी का लाइफ देखने का नज़रिया अलग अलग होता है और सभी के ड्रीम्स और इच्छाएं भी अलग अलग होती है। ऐसे ही टाइम पे कोई हमारे ज़िंदगी में आ जाता है जो हमारे लाइफ के सारे फ्रीडम को छीन लेता है। हो सकता है वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, हस्बैंड हो या वाइफ। जो भी हो, अगर वो आपके लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, वो अगर सिर्फ अपना हक जताकर आपके फ्रीडम को छीनने की कोशिश करे, तो इससे इतना तो समझ में आता है कि वो आपको रियल लव नहीं करता। जैसे कि वो आपको हमेशा मना करे कि किसी लड़के से या लड़की से बात करने के लिए, और किसी से बात करते देख हमेशा गुस्सा करती है, झगड़े होते हैं या ब्रेकअप का डर दिखाए, तो इससे समझ में आ जाता है वो आप पर हक जताकर आपका फ्रीडम छीन रहा है। वो आप पर शक करता है, प्यार के नाम पर बस वो आपको गुलामी करा रहा है। हम सभी जानते हैं प्यार में भरोसा होता है, शक नहीं। जो आपसे प्यार करता है वो हमेशा चाहेगा कि आप खुश रहे, आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो तो आपका हाथ पकड़कर साथ साथ चलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड फलाने से बात करने के लिए हमेशा मना करता है, उससे बात किया तो गुस्सा हो जाता है, देखो यार, ऐसी सिचुएशन हो सकता है वो आपका अच्छा ही चाहता हो। हो सकता है वो आपको ऐसे किसी से दूर रखना चाहता हो जो आपका या आपके रिलेशन के लिए प्रॉब्लम हो या आपके माइंडसेट को ख़राब करें। तो अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपको दूर रखता है, तो मुझे लगता है आपको भी उसकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। नंबर दो है गुड एडवाइज़र। आपने शायद सुना होगा, एक अच्छा दोस्त ही बहुत अच्छा लवर बन सकता है। जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो सिर्फ लवर ही नहीं बल्कि एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनकर आपके साथ रहता है। वो आपके किसी भी कंडीशन में आपका साथ देता है, आपके प्रॉब्लम में आपका हेल्प करता है। एक अच्छे फ्रेंड की सबसे अच्छा गिफ्ट यही होता है कि वो आपको हमेशा गुड एडवाइस देता है। वो आपके हर प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन देता है क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से जानता है। अगर आपका प्यार आपको गुड एडवाइस देकर आपको बुरे से बुरे कंडीशन से बाहर निकल कर लाता है, तो समझ में आता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो सच में आपको समझता है। लेकिन इसके उल्टा, अगर वो आपके प्रॉब्लम को देख कर बहाने बनाता है, सिर्फ खुद की प्रॉब्लम के लिए आपसे बात करता है, तो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है। नंबर तीन है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं अंडरस्टैंडिंग के बिना प्यार ही नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तो अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत लकी इंसान हो, क्योंकि इसी अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से बहुत सारे ब्रेकअप या डिवोर्स होते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भी ये कहा नहीं जा सकता कि वो आपसे प्यार नहीं करता। हो सकता है वो आपसे प्यार करता है पर बोल नहीं पाता, या हो सकता है आप दोनों का रिलेशन नया हो। अगर आप दोनों का रिलेशन बहुत पुराना है फिर भी आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हर बात पे झगड़े होते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में उस रिलेशन की वजह से बहुत सारी तकलीफ झेलनी पड़े। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।